दोस्तों, आप एक एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका जो पीएफ अकाउंट है वो ओपन हो चुका है, लेकिन कंपनी वाले आपके पीएफ नंबर नहीं दिए हैं, तो उसे आप ऑनलाइन आसानी से ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आप लोग को यही बताऊंगा कि आप पीएफ अकाउंट नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और लॉगिन करके आपका जो पूरा स्टेटमेंट है, आपका जो कार्ड है, वो आपको कैसे मिलेगा, इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। सर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपना यूएएन नंबर जानने के लिए आपको गूगल पर आना होगा और यहाँ पे आके यूएएन लिखकर सर्च करना होगा। सबसे ऊपर आपको यूएएन एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। आप लोगों के सामने इस तरह का पॉपअप ओपन होगा, तो इसे आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यूएएन और पासवर्ड आपको मांगा, यहाँ इस प्रकार से आपको एंटर करने को कहा जाएगा, लेकिन आपके पास अभी कोई जानकारी है नहीं। आपके पास यूएन नंबर पासवर्ड होगा तो आप अपने पासबुक को भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो अपना यूएएन नंबर जानने के लिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं नो योर यूएएन, इस वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन अगला पेज इस तरह का आएगा, तो यहाँ पे आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर था, आपके यूएन के साथ जो भी रजिस्टर करते समय मोबाइल नंबर यूज़ किए हैं, वो यहाँ पे भर दीजिए और ये कैप्चा भर के आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से पॉपअप आएगा, ओटीपी वाज सक्सेसफुली सेंड, तो आपके मोबाइल पर ओटीपी गया होगा। यहाँ पे आपको ओटीपी इंटर कर देना है, उसके बाद सिंपल यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अगर आपको ओटीपी सही रहेगा तो ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुल इस तरह का मैसेज आपको दिखाई पड़ेगा, तो ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब तो अगला पेज इस प्रकार के आप लोग सामने ओपन होगा, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पे इंटर कर दीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सेलेक्ट एनीवन, तो यहाँ पे आधार नंबर, पैन या तो फिर आपका मेंबर आईडी अगर पता है तो सिंपल आधार नंबर ही रहने दीजिए, और कैंडिडेट का जो आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको भरना होगा, और ये जो कैप्चा है वो यहाँ पे आपको भरना होगा। सभी डिटेल भरने के बाद सो माई यूएएन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अगर आपके आधार से कोई भी यूएएन अगर एक्टिवेट होगा तो आपको आपका जो यूएएन नंबर है वो इस प्रकार से आपको नज़र यहाँ पे आएगा, तो इसे आप कॉपी करके रख लीजिए या तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके अपने मोबाइल में रख लीजिए। आपको यूएन नंबर मिल चुका है लेकिन वो आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है, उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको होम पे वापस आ जाना है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक्टिवेट यूएन का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो भी यूएन नंबर हो वो डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर डाल दीजिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ये कैप्चा यहाँ पर डाल के आई एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं गेट ऑथेंटिकेशन पिन, तो आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करना है। देन यहाँ पे आई एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना है और वैलिडेट ओटीपी एंड एक्टिवेट यूएन नंबर के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको प्रोसेस हो रहा है, आपका जो यूएन नंबर है वो एक्टिवेट हो रहा है। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, तो उस वन टाइम पासवर्ड को यहाँ पे आपको एंटर करना है, देन कैप्चा को यहाँ पे भरना है और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगला पॉपअप कुछ इस प्रकार का ओपन होगा, तो आप लोग यहाँ पे आप लेटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपके पर्सनल डिटेल यहाँ पे इस प्रकार से नज़र आएंगे, और यहाँ पे जो आपका यूएन कार्ड है वो इस प्रकार से आपको नज़र यहाँ पे आएगा। और अगर आपको पासबुक देखना है तो यहाँ से आप पासबुक को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आपका अकाउंट का पूरी तरह से यहाँ से आपका मैनेज होगा। जैसे कि आप ऑनलाइन अगर पैसे को निकालना चाहते हैं तो अभी आप ऑनलाइन यहाँ से पैसे क्लेम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपका पासवर्ड चेंज अगर करना है तो आप यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, और व्यू के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे यूएन कार्ड है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो किसी इस प्रकार से आपका कार्ड नज़र आएगा, तो यहाँ पे देख पा रहे कैंडिडेट का फोटो नहीं है, तो इस कार्ड को आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए।